मंत्री अमित शाह ने सहारा निवेशकों के लिए रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनके अकाउंट में 45 दिनों के भीतर पैसा पहुंच जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। और जो छोटे छोटे लोग इसमें निवेश करते हैं उनकी पूंजी जाया जाती है सालों सालों तक। सहारा का ही उदाहरण ले दी, कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले, 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए। अब ऐसा जब होता है तो कोऑपरेटिव आंदोलन की विश्वसनीयता, क्रेडिट सोसाइटियों की विश्वसनीयता समाप्त होती है। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया था। हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, सीबीआई वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान भी। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे, जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है, हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क
आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।